तो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में MA MSc MCom PGDCA इन सभी MSc मतलब दोस्तों PG कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से और कैसे फिलअप करना है, इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिए और कहीं पर कुछ भी मिस्टेक होता है दोस्तों कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, यानी कि दोस्तों जो जांजगीर चांपा और रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं वो अब रायगढ़ यूनिवर्सिटी के अंडर आ चुके हैं। तो आपको यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है एडमिशन के लिए। तो आपको गूगल पर जाकर दोस्तों लिख देना है शहीद नंद कुमार पटेल इस प्रकार से v.ac.in। अगर इस प्रकार से सर्च करेंगे SNPV करके तो भी दोस्तों रायगढ़ यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दोस्तों खुल के आ जाएगा। यहाँ पर शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खुल के आ रहे हैं। हम स्क्रॉल करके यहाँ पर आ रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल कॉलेज एंड स्टूडेंट, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करें दोस्तों ऑनलाइन पंजीयन के लिए आ रहा है यह वेबसाइट खुल के, शहीद नंद कुमार पटेल रायगढ़ .in इस प्रकार से आ रहा है। यह हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म 21/22 का और प्रवेश मार्गदर्शिका एडमिशन नोटिस, तो हमें नीचे की ओर आना है और यहाँ पर हमें क्लिक करना है ऑनलाइन एडमिशन 21/22 पर। जैसे हम इस पर क्लिक करें दोस्तों पेज जो है खुल के आ रहा है। यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड, अगर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद साथ आपके मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी देंगे उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आई एम नॉट साइन इन पर करेंगे या दूसरे नंबर पर आपका यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ के डाल के साइन इन करेंगे। इससे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो BA BSc BCom है इनके लिए वीडियो अपलोड हो चुका है, चैनल पर वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख पाएंगे कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो आपको बताया जाएगा दोस्तों कि आपको स्नातकोत्तर PG कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। तो इसके लिए योग्यता दोस्तों जो है कॉलेज पास आउट होना है, आपको स्नातक कंप्लीट रखना है। तो यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आ रहा है दोस्तों क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो हमें UG पर क्लिक करना है क्योंकि हमें PG कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए। तो योग्यता UG है और हमें UG कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो 12वीं योग्यता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम किस स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर दोस्तों कुछ नोट दे रहे हैं, प्रवेश पंजीयन और आवेदन के समय छात्र जेंडर अपना कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ को सही तरह से सावधानीपूर्वक आपको फिल करना है। अगर त्रुटि हो जाता है तो पंजीयन के बाद भुगतान करने के बाद प्रवेश ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक हो जाने के पश्चात जेंडर कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ जो है सुधार नहीं हो सकता, इसके लिए आपको नया पंजीयन करना पड़ेगा। इसके पश्चात आता है दोस्तों आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर कोर्स प्रोग्राम कोड, जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप इसको जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप MA MSc MCom इस प्रकार से जिस भी में आपको एडमिशन लेना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आता है आपका नाम, यहाँ पर फर्स्ट नाम में आपका नाम रहेगा, सेकेंड नेम में अगर आप कुमार लिखते हैं, प्रसाद लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं, और लास्ट टाइम आपका सरनेम रहेगा। जैसे पटेल लिखते हैं, कुर्रे लिखते हैं, लहरे लिखते हैं, साहू लिखते हैं, देवांगन लिखते हैं, केसरवानी लिखते हैं, यह लास्ट नाम में आता है। उसके पश्चात पिताजी का नाम में को भी उसी प्रकार से जो आपके 10वीं और 12वीं का मार्कशीट में अपने पिताजी का नाम लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नाम। फिर मदर जी का नाम, माता जी का नाम भी उसी क्रम में जो सो फिल करना है। फिर आता है आपका जेंडर, इसको आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। फिर आता है आपका कैटेगरी, तो कैटेगरी का आपको सिलेक्ट करना है, आप जनरल हैं, ST है, SC है, OBC, क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल, इसको आपको सिलेक्ट करना है आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। फिर 10वीं के अंक सूची के अनुसार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से फिल करना है। जैसे दोस्तों आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सावधानीपूर्वक फिल करें ताकि आपको कोई फॉर्म आगे फिलअप करने में समस्या न हो। यहाँ से दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है। फिर आता है यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, यहाँ से आपका ईमेल आईडी देना जरूरी है ताकि आपको user ID पासवर्ड प्राप्त हो, और आपका मोबाइल नंबर देना जरूरी है। फिर यहाँ पर सेंड OTP करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको मैं फिल करके आपको आगे का प्रोसेस करके मैं बताता हूँ। तो अपना नाम,
पता मोबाइल नंबर को फिल करने के पश्चात सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। उसको यहाँ पर इंटर ओटीपी करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आता है दोस्तों आपको आगे इस प्रकार दोस्तों हमारा ओटीपी जो है आ गया है, इसको हमें फिल करना है। इस प्रकार दोस्तों हमारा ओटीपी जो है आ चुका है, हमें यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात हमें यहाँ पर यूर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है, अब हमें सेव करना है। उसके पश्चात हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड हमें यानी कि दिया जाएगा। इस प्रकार से सेव पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुका है, पासवर्ड हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्राप्त हो गया है। उसके पश्चात दोस्तों हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पर लॉग इन विथ यूज़र आईडी एंड रजिस्टर। इस प्रकार दोस्तों इस पर हमें लॉग इन करना है और पासवर्ड को डाल के नेट रोबोट एंड साइन इन, या हमें यहाँ पर दोस्तों यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डाल के साइन इन करना है। चलिए दोस्तों इन सबको आगे मैं प्रोसेस करके आपको मैं बता रहा हूँ। कर दोस्तों हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डाल के साइन इन पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म इस प्रकार से आ रहा है। हम पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप जो भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और बाकी का प्रोसेस यहां से आपको 50 रुपये का पेमेंट देना होगा। तो दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो पेमेंट के लिए पेज इस प्रकार से आ रहा है, मेक पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों पेज जो है आगे प्रोसेस होगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ से हमें आपका पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, HDFC, हाँ दोस्तों आज स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग जो है शो कर रहा है। फर्स्ट डे दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो लगभग सॉल्व हो चुके हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस पर हमें पेमेंट करना है जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पेमेंट कंप्लीट करके आपको मैं शो कर रहा हूँ कि फॉर्म आगे किस प्रकार से प्रोसेस करना है। यहाँ पर दोस्तों मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं करें तो पेमेंट कंप्लीट होने के लिए 1 से 5 सेकेंड का समय लेगा। जैसे दोस्तों पेमेंट कंप्लीट होगा, सक्सेसफुल होगा, यहाँ पर दोस्तों आ रहा है सक्सेसफुल होने के पश्चात नेविगेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो इस पर हमें क्लिक कर देंगे। यहाँ दोस्तों जैसे टॉप पर आएंगे यहाँ पर आ रहा है नेविगेशन, इस प्रकार दोस्तों नेविगेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर दोस्तों हमें नीचे इसको इस प्रकार से हमें स्क्रॉल करना है या हमें लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करना है। तो चलिए दोस्तों इन सबको आपको मैं यहाँ से आपको कंप्लीट करना है नेविगेशन पर। दोस्तों इस प्रकार नेविगेशन सर्वे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा फॉर्म जो है आ रहा है। क्या आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, जागरूक हैं, जानते हैं या नहीं जानते, यस करेंगे दोस्तों। अगर आपको जानना है आप जानते हैं कि नहीं, क्या आप विलिंग टू गिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर, क्या भविष्य में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो यस या नो पर दोस्तों इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार दोस्तों यूर लोकल इंटरनेट फैसिलिटी आपके एरिया में नेट की किस प्रकार से है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है आर कोविड एग्जामिनेशन बॉन्डेड यूर कंफर्टेबल, कहाँ से बोल रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर योर कोर्स बॉन्डेड देम यूर कंफर्टेबल, तो या जी हाँ दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना जानकारी को फिल करके यस कर देना है। जैसे दोस्तों यस पर कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से पेज अब हमारा पर्सनल डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर हमारा पर्सनल डिटेल जो पहले फिल किए थे वही यहाँ पर आ रहा है। उसके पश्चात दोस्तों आता है यहाँ पर आपका कास्ट को सिलेक्ट करना है, यदि आप SC ST हैं तो यहाँ पर दोस्तों उल्लेख करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका रीज़न को सिलेक्ट करना है, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, इस प्रकार से इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात आता है अल्पसंख्यक हैं या नहीं, इसको सिलेक्ट करना है। भारतीय नागरिकता है या नहीं, इसको सिलेक्ट करना है। आप कौन से राज्य का निवासी हैं, उसको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है आप कौन से ज़िले के निवासी हैं, उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर से दोस्तों इसको जो है सिलेक्ट करना है। यहाँ से दोस्तों जो हम बलौदा बाजार ज़िले को सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर जो नहीं दिया गया है, पता नहीं किस कारणवश से, लेकिन दोस्तों इसको आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। आप जो भी ज़िले के निवासी हैं उसको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है आवेदक क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, यस या नो, इस पर आवेदक स्वतंत्र से हैं, नानी परिवार से हैं, इसको आपको सिलेक्ट करना है, यस या नहीं। कि आप कश्मीर से प्रवासी हैं, इसको सिलेक्ट करना है। इसके पश्चात दोस्तों मेरिड अनमेरिड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आवेदक अथवा परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा से नीचे अथवा ऊपर है, इसको
सेलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों राशन कार्ड नंबर भी आपको दर्ज करना है अगर है तो, नहीं तो दोस्तों छोड़ के आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर दोस्तों कि आवेदक शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम दिव्यांग, इसको सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात दोस्तों यस करेंगे तो यहाँ पर कितने परसेंट उसको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों आपको दिव्यांगता का प्रकार को दोस्तों चयन करना है। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को डालना है, अब जहाँ का निवासी है उसको एड्रेस को पूरा डिटेल में फिल करना है। आपका पिताजी का नाम, रेसिडेंट, हाउस नंबर, फ्लैट, स्ट्रीट रोड, लैंडमार्क, एरिया, इस प्रकार विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, टाउन, सिटी, तहसील। फिर आपका स्टेट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से दोस्तों आप कौन से राज्य से हैं उसको। उसके पश्चात आप उस राज्य में कौन से ज़िले के निवासी हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आप कौन से पिन कोड को सिलेक्ट करना है, आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है और चेक बॉक्स पर कंप्लीट कर देना है। फिर आता है दोस्तों यहाँ से नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर आपको आधार नंबर को डालना है, ईमेल आईडी ऑलरेडी आया हुआ है, आपका मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट करके सेफ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए दोस्तों इन सब को फिल करके आपको आगे प्रोसेस करके मैं बता रहा हूँ। तो अपना संपूर्ण डिटेल फिल करने के पश्चात सेफ पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करें दोस्तों फॉर्म हमारा आगे प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर सेव पर क्लिक करने के पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार दोस्तों सेव हो जाने के पश्चात हमें फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। अपलोड करने का साइज रहेगा दोस्तों आपका फ़ोटो रहेगा 100 से 200 के बी के मध्य रहेगा और आपका हस्ताक्षर रहेगा 10 से 50 के बी के मध्य। तो इसको दोस्तों आपको रिसाइज कर लेना है अपने मोबाइल या कंप्यूटर जिस भी माध्यम से आप करना चाहें। उसके पश्चात दोस्तों चूज़ फाइल करके उसको सिलेक्ट करके उसके पश्चात अपलोड पर करेंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके मैं दिखा रहा हूँ। उसके पश्चात दोस्तों मोबाइल सिलेक्ट करने पर अपलोड पर टैप कर देंगे। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा फ़ोटो अपलोड होकर यहाँ पर दोस्तों शो करेगा आपका इमेज, तभी आपका फ़ोटो अपलोड होगा। उसके पश्चात दोस्तों आप सिग्नेचर को भी अपलोड पर क्लिक करेंगे तो वो भी सिग्नेचर यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर फ़ोटो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों सेव हो रहा है फ़ोटो। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आता है, यहाँ पर फ़ोटो सेव हो चुका है। उसके पश्चात हमें अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों अगर हमारा सिग्नेचर का साइज बहुत कम है इसीलिए यहाँ पर शो, यानी बहुत ज़्यादा है इसीलिए शो नहीं कर रहा, हमें उसको साइज को रिसाइज करके अपलोड करके आपको मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो जाने के पश्चात यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा जो है, अगर आप यूजी के लिए मतलब बीए बीसी के लिए फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 12वीं का देना पड़ेगा। अगर आप पीजी कोर्स के लिए एडमिशन जैसे एमएमएससी पीजीडीसीए के लिए भरना चाहें तो यहाँ पर हमें यूजी का डिटेल देना होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं विषय का नाम शॉर्ट में प्रविष्ट का करेंगे। ऐसा छात्र जो अंडर ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रहे हैं 12वीं के अंक तथा पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश ले रहे हैं वह अंडर ग्रेजुएशन के अंक अंतिम अंक को प्रविष्ट करें, नहीं तो फॉर्म निरस्त हो जाएगा। मतलब दोस्तों आप जो है पीजी कोर्स के लिए एडमिशन कर रहे हैं जैसे पीजीडीसीए या एमएससी एमए एमकॉम एमएसडब्ल्यू, इस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको जो स्नातक है उसका यानी कि उसका नंबर को फिल करेंगे, उसके परसेंट को उनके डिटेल को। अगर आप बीए बीएससी के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको अपने 12वीं के डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों यूजी डिग्री को सिलेक्ट करना है क्योंकि हम एमएमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप कौन से क्लास से पास आउट हैं उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से दोस्तों आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आता है दोस्तों आपका कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का था। बीएससी जो है 3 वर्ष का होता है। फिर आप यहाँ पर दोस्तों आपको उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं उस, यहाँ से उन सभी को ढूंढ के यहाँ से सिलेक्ट करना। अगर नहीं मिलता है तो अदर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, फिर कौन सी ईयर में हम जो है फाइनल पास आउट हैं उसको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों उसके पश्चात आता है यहाँ से इसको डालने के पश्चात आपका रोल नंबर डालना है फाइनल ईयर का। उसके पश्चात कितने नंबर आपको प्राप्त हुआ है टोटल मार्क यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर कितने नंबर प्राप्त हुआ है ऑप्टेन मार्क पर उसको डालना है। फिर आपका रिजल्ट क्या है, पास हुए हैं या आप इस प्रकार से जो पास हैं वो डालेंगे, फेल हैं, सप्लीमेंट्री या टीकेटी, ये सब दोस्तों डालेंगे। उसके पश्चात दोस्तों कितने नंबर का था
जो है टोटल मार्क उसको यहाँ से आपको डालना है। तो आपको कितना मार्क प्राप्त हुआ है 1800 में, मतलब आपको टोटल उसको डालना है। तो इस प्रकार से फिल करने के पश्चात हमें सेव ऐड एंड सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा जो है एकेडमिक डिटेल जो है सेव हो जाएगा। फिर हमें नीचे की ओर फिर आना है और हमें फिर से अपना वही डिटेल हमें फिर से यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमें टोटल एग्जामिनेशन को जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अगला आ रहा है विषय का नाम शॉर्ट में प्रविष्ट कर, जैसे इंग्लिश का इंग्लिश, हिंदी का हिंद और संस्कृत का SNS, इस प्रकार से फिल करेंगे। तो आप हमारा दोस्तों UG का डिटेल फिल होगा। तो अब हमें 10वीं का डिटेल फिल करना है। उसके पश्चात दोस्तों आप स्ट्रीम यानी कि नन सब्जेक्ट यानी ग्रुप में आपका स्कूल को डालना है। यहाँ से दोस्तों किस स्कूल से पास आउट है उसको। उसके पश्चात आप यहाँ पर कोर्स का कितने साल का था आपका, 10वीं 1 साल का। उसके पश्चात यहाँ पर आपका जो है अपना अपना स्कूल को यानी कि अपना बोर्ड को सिलेक्ट करना है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर फिर आता है यहाँ पर एग्ज़ाम कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं 10वीं को, उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपका अपना रोल नंबर को फिल करना है। रोल नंबर को फिल करने के पश्चात दोस्तों यहाँ आपको अपना रोल नंबर को फिल करना है। फिल करने के पश्चात दोस्तों आपको फॉर्म को आगे फिलअप करना है। अब रिजल्ट में क्या है, पास आउट है उसको। फिर यहाँ आपका जो है नामांकन नंबर को डालना है, 12वीं का रोल नंबर 12वीं का मार्कशीट में दिया रहेगा उसको। और सब्जेक्ट में आपको जैसे इंग्लिश का ENGL और हिंदी का HIND, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इन सबको आपको मैं लिख के नेक्स्ट पर करके आपको मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार दोस्तों अपना 10वीं का डिटेल फिल करने के पश्चात यहाँ पर ऐड एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ऐड एंड सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर ऐड एंड सेव पर क्लिक, यहाँ पर कोर्स कितने वर्ष का उसको सिलेक्ट कर फिर ऐड एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ऐड एंड सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा एकेडमिक डिटेल यहाँ से फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा फॉर्म अब कंप्लीट होने वाला है। केवल हमें अपना कॉलेज को चयन करना है, कौन से कॉलेज में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह कॉलेज अकलतरा, नवीन कॉलेज गवर्नमेंट में रुधुर, इस प्रकार दोस्तों जिन जिस भी कॉलेज में आप जो भी कोर्स सेलेक्ट किए हैं वो उसको कॉलेज को दिखाएगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आता है ऐड इंस्टीट्यूट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ऐड इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, वहाँ उपस्थित सभी सब्जेक्ट को यहाँ से दिखाएगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है अब और अन्य कॉलेज को सिलेक्ट करना है तो ऐड यहाँ पर इंस्टीट्यूट को ढूंढ लेना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ से आपको जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट जितने भी कॉलेज है वो सब को यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों। उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको कोई यहाँ पर दोस्तों जिस भी कॉलेज को उसके पास ऐड इंस्टीट्यूट पर क्लिक करेंगे। ऐड इंस्टीट्यूट पर क्लिक करने के पश्चात दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर फिर शो कर रहा है। फिर से यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आ जाना है। इस प्रकार दोस्तों अगर और कॉलेज में नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डालना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड इंस्टीट्यूट पर करते जाएंगे जिसने भी आपको कॉलेज में डालना है। पहले कॉलेज को सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके पश्चात आपको यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ से फिर ऐड इंस्टीट्यूट पर करेंगे। फिर यहाँ जितने भी कोर्स रहेगा वो सबको शो करेगा। उसके पश्चात सेव पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी आ जाएगा, अगर और नहीं डालना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई और प्रमाण पत्र है जैसे NSS NCC तो ही इसको सिलेक्ट करना है। अन्यथा दोस्तों आपको नन करके आगे करके सेव पर क्लिक करके या सेव पर। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आता है कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, यस या नो पर क्लिक करेंगे। अगर नो है तो नो पर, अगर नहीं हाँ कर रहे हैं तो यस पर। उसके पश्चात तो सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपना 10वीं 12वीं अंक सूची प्रमाण पत्र TC माइग्रेशन को अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको मोबाइल पर यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। 10वीं 12वीं इस प्रकार जिस भी आपको मार्कशीट को देना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। अन्यथा दोस्तों अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको एडिट करने का मौका दे रहा है। अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। अन्यथा एडिट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों
यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है, नीचे की ओर आना है। यहाँ से जैसे नीचे की ओर आएंगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर एग्री करने के बोल रहा है, इन सभी को आपको एग्री कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर एग्री करना है सभी को डिटेल। उसके पश्चात दोस्तों कंफर्म पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों हमारा फॉर्म इस प्रकार से फिल हो चुका है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट करके जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ का प्रिंट आउट निकाल लें। अगर आप एडिट करना चाहते हैं एडिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसमें OTP जाएगा, OTP को फिल करके यहाँ पर वेरीफाई OTP करके आप एडिट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। इस वीडियो को शेयर करें आपके सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।